शौच करने गई थी विवाहिता, गला काट कर शव को नहर में फेंक दिया गया। मामला सारण जिले के जलालपुर थाना अंतर्गत नवादा गांव का है। उस महिला का शव नवादा गांव स्थित नहर से ही बरामद किया गया है। मृत महिला की पहचान स्थानीय नवादा गांव निवासी मुन्ना महतो की 30 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृत महिला के देवर व परिवार वालों ने बताया कि बीती रात्रि वह शौच करने के लिए नहर की तरफ गई थी। काफ़ी देर तक नहीं लौटने के बाद जब उन लोगों के द्वारा खोजबीन की गई तो नहर से उसका शव बरामद किया गया। उसके गले को धारदार हथियार से रेत कर हत्या की गई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा है, जहां शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। प्रियंका देवी की हत्या कैसे हुई है? शौच करने के लिए गई थी, मतलब कि 9 बजे के करीब। तो उसके बाद मतलब कि हम लोग गए खोजने के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब लेट हो गया, तो खोजने के लिए गए थे तो मतलब देखे कि मतलब कि नहर में लाश पड़ा हुआ मिला। उसके बाद में लगभग मिला हम लोग को 10:30 बजे के करीब में लाश मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, उसके बाद प्रशासन को फोन किया, उसके बाद प्रशासन आए, उसके बाद में इंक्वायरी चालू हुआ, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम में अभी आए। कैसे हत्या की गई है? गला काट के। आप कौन हुए? उनका देवर। देवर है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। घर कहाँ हुआ? नवादा। थाना? जलालपुर। और लाश कहाँ मिला है? नहर में मिला है। क्या लग रहा है आप लोगों को, किस कारण हत्या की गई है? क्या पता हमको, मतलब भी उतना है ये नहीं है। और प्रियंका देवी के पति? वो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। क्या पारिवारिक कोई दुश्मनी है? घटना का कारण कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सब।